क्या चल रहा है, आप मुझे खुद बता दो ये क्या चल रहा है। भाई सुनो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखो और मैं बताओ एक क्या साथ चल रुक रहा जाओ है। यार, क्लोज हो जाते हैं। ब्लॉक मारो यार इसको, तनु इधर दे दो तो इधर दे ब्लॉक कर दो इसको। मैं कह रहा हूँ ना, ये ऐसी बकवास मारती रहेगी यार ये। वो मुझे बार बार बोले जा रही है यार, ये क्या इतने मैसेज लिखे जा रही है, आप बोल रहे ब्लॉक कर दूं। मेरा नंबर किसके पास था? ट्रस्ट की बातें आप कर रहे हो यार, ड्रामे कर रहे हो यार, मैं बोल रहे है क्या यार आपको। आज के बाद कोई लिंक रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ब्लॉक हो आप, मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से ब्लॉक हो, सीधा यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे को शक्ल में दिखाने का। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइस हमारे घर से। बाकी आज जो होने वाला है ना गाइस, वो बड़ा ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज गाइस मैं करने वाला हूँ तनु के ऊपर प्रैंक, और वो प्रैंक बड़ा खतरनाक होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, मेरे हाथ में एक और फोन है। तो एक और फोन का रीजन क्या है गाइस, आज ना मैं एक जेलसी प्रैंक टाइप करूंगा कि मेरी कोई और गर्लफ्रेंड है जो तनु को आज मैसेज करने वाली है। तो गाइस तनु को ना इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे पास एक और भी फोन है, आज विक्की आया हुआ है। तो उसके फोन से आज मैं तनु को मैसेज करने वाला हूँ, क्योंकि तनु के पास विक्की का नंबर नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस अभी ना मैं मैसेज करने वाला हूँ तनु को खतरनाक तरीके से, और तनु को लगेगा कि यार ये क्या हो गया है। गाइज आज का जो प्रैंक होने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और तनु ना आज मेरे साथ बहुत ज्यादा लड़ने वाली है भाई। आज तो ना कमाल ही हो जाएगा, कमाल कह रहा हूँ, बबाल हो जाएगा पूरा। सो गाइज मैंने मैसेज भेज दिए हैं तनु को, तीन मैसेज भेजे हैं जो आपकी स्क्रीन में मैंने दिखा दिए आपको, ये मैंने मैसेज भेज दिए हैं। तो गाइज अभी ना जब भी रिप्लाई आएगा तनु का, तो दोबारा से फिर हंगामा होगा बड़ा ज्यादा वाला। बाकी मैं ये फोन ना अभी लिश्का को देके जाऊंगा, लिश्का पीछे से मैसेज करती रहेगी या विक्रांत पीछे से मैसेज करता रहेगा तनु को, मतलब कंटिन्यू बात करते रहेंगे वो। तो गाइज उसके बाद जो रिएक्शन आने वाला है ना तनु का, भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होगा वो, बड़ा ज्यादा खतरनाक होगा। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि अगर आपने एक भी स्किप भी करी ना, जो सीन्स होंगे, जो मतलब रिएक्शंस होंगे, जो भी चीजें होंगी ना बीच में, वो मिस कर जाओगे, फिर मजा नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या था। सो फाइनली गाइज आ चुके हम नीचे। अभी सबसे पहले अभी मैं इसको कोल्ड स्टार्ट करता हूँ अपनी आना को। इतनी प्यारी चमक रही है गाइज, क्योंकि कल मैंने वॉश करवाई थी। भाइयों आए हैं मेरे, तो गाइज इनसे भी मिलते हैं। कैसे हो? कैसे हो भाई? तो गाइज ये भी चंडीगढ़ में व्लॉग्स करते हैं, प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाते हैं, रमन स्टंट व्लॉग्स, सोनू डीसी व्लॉग्स, प्रिंस एक्स स्टंट्स। तो गाइज ये चंडीगढ़ में साइक्लिस्ट के व्लॉग्स बनाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। तो जाके अभी इनको खूब सारा प्यार करो और खूब सपोर्ट दो, दिखाओ भाई उनको भी। आज तनु के ऊपर प्रैंक होने वाला है, करें प्रैंक या नहीं करें? खतरनाक होता है। तो आज तनु के ऊपर प्रैंक करेंगे। और यहाँ पे विहान छोटा भाई, ये देखो इसको, ये साइकिल ले आया है गाँव से, और बस इसको साइकिल पे ही बैठा रहता है सारा दिन ये। सो गाइस चलो फिर निकालते हैं अपनी ऐनों को बाहर, एंड करते हैं फिर इसको कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज तो तनु ही इसको गर्म कर दे। आपको भी पता है गाइस, और तनु की मार बड़ी खतरनाक होती है, और इसको मैंने कोल्ड स्टार्ट तो कर दिया है। सो गाइस तनु का कॉल है। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ आ रहा हूँ, बस यार घर से निकल रहा हूँ अभी। मुझे मत लेना ना सिटी पार्क आना, आपके कोई दोस्त भी मैसेज किए जा रही है सुबह से, क्या सीन है ये? क्या मैसेज करा? कोई नहीं, आओ आप फिर बताते। कहाँ पे आना है? सिटी पार्क आओ, 5 मिनट में पहुँच जाओ। आप सिटी पार्क कैसे गए? आ जाओ जल्दी आप बस। चलो आता हूँ। सो गाइज तनु ने तो भाई सिटी पार्क पहुंच चुकी है गाइज, वो तो यार खतरनाक तरीके से, और भाई उन्होंने भी साथ में है यहाँ पे। बाकी चलो सिटी पार्क लेने चलते हैं। सो गाइज जैसे कि आपको पता है तनु सीधा पहुंच चुकी है सिटी पार्क। यार मेरे को नहीं पता था कि इतना ज्यादा गुस्सा होगी, यार मेरे को उसकी बातों से ही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। और यार पता नहीं अभी तो कुछ इतनी बातें करी भी नहीं है यार, अभी तो सिर्फ जस्ट हाय हेलो, और पता नहीं लिशिका और विक्की ना पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे यार उसे। यार गाइस बता क्या, मैं ना फोन घर पे छोड़ आ चुका हूँ, मोबला जिससे मैं मैसेज कर रहा था तनु को। फिर उसके बाद तनु का अब मुझे कॉल आया था कि यार आप सीधा ना सिटी पार्क आओ, और आपकी कोई फ्रेंड है वो मुझे मैसेज कर रही है बार बार। भाई मुझे नहीं अब समझ आ रहा भाई मेरे साथ क्या होने वाला है। चलो फटाफट 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 भागने वाला सीन हो रहा है, क्योंकि यार अब ना वो सिटी पार्क पहुंच चुकी है, और सिटी पार्क पहुंचते ही ना भाई वो हंगामा शुरू कर देगी, और बड़ा सारा ज्यादा वाला। क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी मेरी लड़ाई हुई है ना तनु के साथ, वो सिटी पार्क पे ही हुई है।
और आज का तो जो प्रहक है भाई वो तो मेरी जान ही ले लेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इस तरीके से मैंने खतरनाक प्लानिंग करी है प्रैंक की। तो गाइज अभी ना हम सिटी पार्क जा रहे हैं और सिटी पार्क जाके जो होने वाला है ना मेरे साथ वो सब आप भी देखोगे और मैं तो मेरे साथ तो होगा ही होगा जो भी होगा। आज तो ना भाई हाइपर राइड करने का भी मन कर रहा है बड़ा सारा वाला, क्योंकि गाइज तल्लू आज पूरे हाइपर मोड में होगी। इस टाइम तल्लू की ना ऐसी हवा गोल हो गई होगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कि ये किसने मैसेज कर दिया मुझे और क्यों मैसेज किया, क्या रीज़न होगा उन मैसेजेस का। बाकी गाइज अभी ना हम फटाफट सिटी पार्क जा रहे हैं और सिटी पार्क जाके जो धमाका होने वाला है ना भाई बड़ा ज़्यादा खतरनाक होने वाला है भाई। वो क्या लीन था गाइस, लीन चेक करो यार, मजा ही आ गया आज तो भाई। चलो गाइस मैं सिटी पार्क तो पहुंच चुका हूँ, बाकी तो यार अभी अंदर जाके ही पता लगेगा कि क्या क्या होगा क्या क्या नई सीन। बाकी मैसेज तो मैंने बड़े खतरनाक तरीके से करे हैं तन्नू को, वो एक टाइम पे तो शॉक हो जाएगी, उसने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बाकी गाइस मैं पहुंच चुका हूँ सिटी पार्क, बाकी अंदर जाके देखते हैं यहीं पे या कहाँ पे है, किस साइड है। चलो गाइस मैं ढूंढता हूँ तन्नू के पास चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है और क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पता वो लिश कौन और विकी क्या क्या मैसेज कर रहे होंगे, क्या क्या बात कर रहे होंगे, वो सब कुछ का मुझे कुछ भी नहीं पता। अब तो बस तन्नू के फोन में दिखेगा जाके कि वो क्या क्या मैसेज करने वाले हैं और क्या क्या बात हो रही है। यार मेरे को तन्नू नहीं दिख रही कहीं पे भी, ओए वो रही तन्नू। चलो गाइज वहाँ पे चलते हैं, बाकी यार मेरे को नहीं पता आज मेरे साथ क्या होने वाला है यार, बड़ा ख़तरनाक सीन है। और ये बैठी भी इस जगह पे है ना, ये बड़ी मनहूस जगह है मेरे लिए, क्योंकि जितनी भी लड़ाइयाँ और जितनी भी हमारी फाइट्स हुई हैं ना इस जगह पे हुई है, और आज तो जो मेजर वाली फाइट होने वाली है ना गाइज वो भी यहीं पर होगी। बाकी यार मैं हंस रहा हूँ, मैं छुप जाता हूँ। हाय तन्नू कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आप, यहाँ कैसे आ गए? मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ। क्यों? मजा रही थी ना, तो ऐसे अचानक से। मैं तो आपको लेने आ रहा था, आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए? यार वो भी जा रही थी ना तो मैंने उसको बोला मुझे ड्रॉप कर दे, इसलिए मैं आ गई। अच्छा 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 अच्छा, मेरे को लगा पता नहीं क्या 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 हुआ, आप यहाँ पे पता नहीं क्यों आ गए एकदम से। यार मुझे ना एक लड़की मैसेज कर रही थी। कौन लड़की? पता नहीं कौन है ये। आपने रिप्लाई नहीं करा इसको? क्या बोल रही है? पहले कि है कौन? पता नहीं ये नंबर है, आपको पता होगा अब कौन है अब ये। मेरे को तो नहीं पता यार, क्या बोल क्या रही है? पर्सनल नंबर से उसने मुझे कांटेक्ट किया है। क्या बोल क्या रही है? बोल रही है कि आपके रिलेटेड कोई बात है, मैं से पूछूं? रहने दो यार, छोड़ो, ब्लॉक करो। ब्लॉक क्यों करूं? मेरे रिलेटेड बात है। हाँ। मेरे रिलेटेड क्या बात है? मैं पूछ ही लेती हूं। ब्लॉक कैसे कर दिया जाए? और मेन मेरा पर्सनल नंबर कैसे लीक हो सकता है किसी अननोन के पास? ये बात भी आए ना, आप सोचो कोई बंदा जो है वो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर रहा है, मतलब आपके फ़ोन से लिया होगा नंबर। मेरा नंबर किसके पास है? सिर्फ 30 बंदों के पास है मेरा नंबर, एक तो मेरी फैमिली, बाकी आप और कंपनी के बच्चे बस। नहीं तो आपको वो बोल क्या रहा है, कौन है बंदा, कौन है? बात कर रही है कोई? मेरी रिलेटेड क्या बात करनी होगी यार, ब्लॉक मारो तन्नू, वही हो बेफालतू में, छोड़ो। मार दूँ यार ब्लॉक, ऐसे कैसे ब्लॉक कर जाएगा? आया कोई रिप्लाई? क्या बोल रही है? बोला देखो विनीत और मैं एक साल से डेट कर रहे हैं। क्या? और आप इतने क्लोज हो जाते हो ब्लॉग में, उनके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कौन है यार? नहीं आ रहा ये, मैं ये कौन है? तो मुझे क्या, मैं नहीं जानता तन्नू इसको, मैं नहीं जानता कसम से। पर्सनल नंबर कैसे मिल गया यार? यार ये है कौन है यार? मत बनाया करो अब से। दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ। ये उसने खुद किए हैं। रुको तो, मेरे को तो पढ़ने दो ना, मेरे को तो पढ़ने दो। हाय सुनो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, ये वो ऐसे वैसे, तो देखो। और मैं एक साथ रुक जाओ यार, क्लोज हो जाते हैं। ब्लॉक मारो यार इसको, इधर दे दो चुपचाप, ठीक है ना? ज्यादा ड्रामे मत करो। ब्लॉक क्यों कर दूं? तनु इसको ब्लॉक करो यार, ऐसे फेक है कोई, पता नहीं कौन होगा यार। अब बात ही क्यों कर रहे हो? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप वो सिर्फ मेरा है करके। जब ये सब कुछ ही था तो आप मुझे पहले बता सकते थे ना, आप कोई लड़की तीसरी आके मुझे सुनाए जा रही है। मैं बोल रही मेरे पास सारे प्रूफ्स है। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? प्रूफ लेके आए कुछ? बोल रही आई हैव पिक्स एंड वीडियो, सब कुछ है, इवन चैट भी है।
यार तनु ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कसम से ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है ऐसा कुछ भी यार। तनु इसको ब्लॉक मारो यार, इधर दो यार, ब्लॉक मारो यार इसे। आपका नंबर मैंने विनीत के फोन से लिया था, ये क्या बोला फिर उसने? मुझे जवाब दो। एक और आ गया, मैंने आपको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज डाले थे बट तनु मैं नहीं जानता इसको, मैं जानता ही नहीं इसको, मैं जानता ही नहीं, मैं कहाँ से जानूंगा यार, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इसको, भाई फेक होगा कोई, कोई दोस्त होगा ऐसे मजाक कर रहा होगा आपके साथ। मेरा कोई दोस्त है? किस दोस्त के पास मेरा नंबर है और कौन ऐसे मजाक करना चाहेगा? अरे मैं जानता ही नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ यार आपको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तनु यार, हद है। कॉल करके क्या करोगे यार, क्यों करनी कॉल? ब्लॉक करो ना यार इसे यार। क्या चल रहा है? सच बताओ आपको का इतना वैल्यू है नहीं हमारी लाइफ में वैसे तो, पर सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे आई डोंट लाइक यू टू बीइंग क्लोज टू हिम। और अब उसकी कॉल भी आ गई मुझे। छोड़ो यार, लाओ मैं बात करूं तनु, ये फेक है, लाओ दो मुझे, मैं बात करता हूं ना इससे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे मैं बोलूं तो ये क्या लिखा है? लो नंबर नहीं चाहते होंगे ना, ये क्या लिखा है ये क्लियर करो मुझे। आप ये पढ़ा जा रहा है आपसे तो पढ़ो फिर। ये फेक है यार, मैं नहीं जानता इसको, मैं सच में नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं इसको, मेरे को नहीं पता है कौन है कौन नहीं। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है या नहीं है ये बताओ आप। ठीक है मैंने लिख दिया, विनीत सर ही डोंट नो यू। यार छोड़ो ना, ब्लॉक करो इसे यार, ड्रामे मत करो तनु, मत करो, छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही चलता रहता, पता नहीं कौन होगा यार ऐसे फेक बोल रहा होगा कुछ भी यार। क्या लेते हो आप इससे? तनु ब्लॉक कर दो इसको, मैं कह रहा हूँ ना ये ऐसी बकवास मारती रहेगी यार, ये मुझे बार बार बोले जा रही है यार, ये क्या इतने मैसेज लिखे जा रही है, आप बोल रहे हो ब्लॉक कर दूं। यार तनु पता क्या, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज किया है, ठीक है कोई मजाक नहीं है, ठीक आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर या नहीं है? बात है यार, मेरा नंबर किसके पास था? ट्रस्ट की बातें आप कर रहे हो यार, ड्रामे कर रहे हो यार, नहीं है मुझे आप पे ट्रस्ट, सिंपल सी बात है, नहीं है मुझे आप पे ट्रस्ट। ये बंदी क्या मैसेज किया और आप इतने ब्लैक हो ना, पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है आपकी शक्ल से ही लग रहा है, मैं से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे आना भी मत कभी। मैंने सिंपल सी बात बोल दी यार आपको, हर बार मैंने क्लियर की थी, ये हमारी क्लियर कट बात थी और मुझे किसी थर्ड पर्सन से ये सब सुनना पड़ रहा है यार, मेरी क्या इमेज रहेगी यार, मैं ऐसी हूँ क्या? ऐसी लड़की हूँ मैं जो कि किसी का रिलेशन के बीच में आऊँगी? ऐसी हूँ मैं भाई? कितना कुछ सुना गई यार ये तो मुझे यार। गाइस मैंने तो जस्ट प्रैंक करा था। तनु तनु सुन रहे हो मेरी बात? ये जो हर बार का आपका है ना तन्नो तन्नो बोल के पीछे आ जाओ, मत करो ड्रामे, मैंने सच में बोल दिया मेरे से कुछ हो जाएगा। सुन तो लो बात, तो सुन लो है क्या यार आपको? यार आप ऐसे क्यों फेंक फेंक के मार रहे हो यार मेरे से? आज के बाद कोई लिंक रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी ब्लॉक हो आप मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से ब्लॉक हो, सीधा यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे को शक्ल में दिखाना चाहिए। गाइस अब नहीं मैं इसको मनाऊंगा यार, क्योंकि यार इसने मेरे को इतना कुछ बोल दिया यार, मेरी बात ही नहीं सुन रही है यार, सब लोग यहाँ पे खड़े हो गए तमाशा देख रहे हैं यार, सब ऐसे ऐसे देख रहे हैं मतलब बड़े गंदे तरीके से, और ये इतना कुछ बोल के चली गई है मुझे यार, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। भाई मैंने जस्ट प्रैंक किया था, आपको भी पता है जैसे कि मैंने प्रैंक करा था, और प्रैंक का उल्टा क्या हो रहा है यार मेरे साथ यार, हद है यार।